हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे में जो एयर ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं एयर ब्रेक सिस्टम। तो एयर ब्रेक सिस्टम दो प्रकार का होता है। नंबर एक जो है हमारा, वो है डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम, डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम। और नंबर दूसरा जो है हमारा, वो है हमारा ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम। जो डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम है, ये मेनली अमेरिकन रेलरोड में यूज होता है, मेनली यूज्ड इन अमेरिकन रेलरोड, जबकि ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन इंडियन रेलवे। डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम में क्या चीजें होती हैं? तो यहां पर हम इसको एक टेबल से समझ लेते हैं। ये ब्रेक पाइप का प्रेशर हो गया और ये हमारा ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर हो गया। ब्रेक पाइप में प्रेशर जब 5.0 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सारे प्रेशर जो है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगे, तो ब्रेक पाइप में प्रेशर जब 5.0 था उस वक्त ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जीरो था। अब हमने यहां पर इसको ड्रॉप किया, 5.0 से हमने प्रेशर जो किया वो 4.5, यानी 0.5 का हमने ड्रॉप कर दिया। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट रिलीज में ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जीरो ही रहेगा। अब 5.0 से 4.0 कर दें, 4.2 ले लेते हैं। इस कंडीशन में प्रेशर, ये प्रेशर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहेगा, तो यहां पर भी हमारा जीरो रहेगा। 4.0 कर दें तो इस कंडीशन में प्रेशर हमारा जीरो रहेगा। 3.8 कर दिया जाए प्रेशर तो इस कंडीशन में भी जीरो रहेगा। और जैसे ही प्रेशर 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, हमारा ब्रेक सिलेंडर में अचानक से प्रेशर 3.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा डायरेक्ट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम। प्रेशर बीपी का हम जैसे जैसे ड्रॉप करेंगे, बीसी का प्रेशर जीरो ही रहेगा, लेकिन जैसे ही बीपी का प्रेशर 3.5 यानी 1.5 का ड्रॉप किया, ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 3.8 केजी हो जाएगा। अब ग्रेजुएट रिलीज में क्या होता, यहां पर बीपी का प्रेशर बात कर लेते हैं और यहां पर बीसी के प्रेशर की, इसके लिए भी समझ लेते हैं इसको। ब्रेक पाइप का प्रेशर अगर 5.0 जैसे कि यहां पर था, तो उस दौरान ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जीरो रहेगा, यहां पर भी जीरो था। अब हमने 0.5 का ड्रॉप किया, 0.0 से 4.5 कर दिया, तो इस दौरान ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 1.25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाने लगा। 4.2 करेंगे जैसे हमने यहां किया, तो यहां पर जो हमारा प्रेशर हो जाएगा 2.0 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 4.0 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.8 करेंगे तो यहां पर प्रेशर हो जाएगा 3.0 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे ही हम 3.5 करेंगे, वहां पर प्रेशर हो जाएगा 3.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहां पे प्रेशर जैसे जैसे ड्रॉप हो रहा है, उसी तरह से हमारा बीसी का प्रेशर, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। किस रेशियो से हो रहा है, तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, बीसी प्रेशर इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड ड्रॉप इन बीपी प्रेशर। यहां जो टेबल हमारी बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर है, जैसे कि यहां पर ये 2.5 है, यहां पर हमने कितने का ड्रॉप किया, 5 से 4.0 यानी 1 का ड्रॉप किया, तो 2.5 इंटू 1 तो देखिए 2.5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन है, ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होगा बीपी में, जो हमने ड्रॉप किया बीपी के प्रेशर में जो भी ड्रॉप किया, वो मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो ये रहा हमारा ग्रेजुएट रिलीज और डायरेक्ट रिलीज। अब जो ग्रेजुएट रिलीज सिस्टम है, जो कि भारतीय रेलवे में यूज किया जाता है, इसके भी टू टाइप्स हैं। देखिए कौन कौन से टाइप्स हमारे,
एक तो हो गया हमारा सिंगल पाइप सिस्टम और दूसरा हो गया ट्विन पाइप सिस्टम। सिंगल पाइप जिसमें कि हमारा बी ब्रेक पाइप और दूसरा है हमारा ट्विन पाइप सिस्टम। ट्विन पाइप सिस्टम में कौन कौन से पाइप हैं, तो एक हमारा है ब्रेक पाइप एंड दूसरा है हमारा फीड पाइप। ये दो पाइप हमारे यहां पर यूज किए जाते हैं ट्विन पाइप सिस्टम में, और सिंगल पाइप में केवल हमारा एक पाइप होता है ब्रेक पाइप सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम ही भारतीय रेलवे में यूज किए जाते हैं। कोचिंग में जो हमारा सिस्टम यूज किया जाता है वो ट्विन पाइप सिस्टम यूज किया जा रहा है, जबकि वैगन में या फ्रेट स्टॉक में सिंगल पाइप और ट्विन पाइप दोनों ही सिस्टम हमारे यूज किए जा रहे हैं। अब हम वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं एयरबैग का, क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ट्विन पाइप का लाइन डायग्राम है जिसमें कि एपी यानी फीड पाइप हो गया और बीपी ब्रेक पाइप हो गया। तो दो पाइप दिखाए गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। इसको समझ लेते हैं। ब्रेक पाइप में जो प्रेशर रहता है ये हमेशा 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है, और फीड पाइप में जो प्रेशर रहता है वो 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज रहता है। अगर ये सिंगल पाइप होता तो केवल हमारा ब्रेक पाइप होगा, और ट्विन पाइप है तो दोनों ही पाइप हैं। ये जो हमारा दिखाया गया है ये कट ऑफ एंगल कॉक है, ये मैंने लिखा हुआ है कट ऑफ सीओएसी, कट ऑफ एंगल कॉक हो गए, दो कट ऑफ एंगल कॉक हो गए, दो कट ऑफ एंगल कॉक इधर हो गए। ये जो इस तरह से दिखाया गया है ये हमारा एयर होज है, एयर होज पाइप हो गए हमारे। अब ये जो मैंने डायग्राम है, इस डायग्राम से हम वर्किंग को समझते हैं। ये डायग्राम मैंने आप जो है ये हमारा बीएमबीसी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो कि आईसीएफ में यूज किया जाता है उस कोच के लिए है, लेकिन चूंकि इसमें गार्ड वाला सिस्टम भी दिखाया गया है तो एसएलआर कोच के लिए बनाया गया है। अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि वर्किंग किस तरह से है। ब्रेक पाइप का प्रेशर, देखिए ब्रेक पाइप से हमारा एक प्रेशर यहां से एक ब्रांच पाइप गया, ये आइसोलेटिंग कॉक है, एक डर्ट कलेक्टर है और यहां जाके डीबी है। डीबी का कॉमन पाइप ब्रैकेट सीपीबी होता है, उसमें हमारा ब्रेक पाइप से प्रेशर आता है, वो डीबी के थ्रू सीआर टैंक में जाता है। तो सीआर टैंक में जो 6 लीटर का कैपेसिटी है, सीआर टैंक हमारा 5000 हो जाता है। इसी के साथ डीबी से कनेक्शन ये एआर टैंक में भी गया जिसकी कैपेसिटी 200 लीटर है। तो ये कोचिंग का है, कोचिंग में 200 लीटर होता है, जबकि वैगन में ये 100 लीटर का होता है। तो एआर टैंक में भी डीबी के माध्यम से 5 केजी का प्रेशर चला जाता है। अगर ये सिंगल पाइप होता तो ये जो कनेक्शन है ये हमारा नहीं होता, यहां डमी लग जाता और ये हमारा इस तरह से सिंगल हो जाता, सिंगल पाइप, बाकी कनेक्शन हमारे खत्म हो जाते। तो ब्रेक पाइप से देखिए, ब्रेक पाइप से हमारा क्या क्या चार्ज हो रहा है, डीबी के थ्रू सीआर टैंक चार्ज हो रहा है और एआर चार्ज हो रहा है, तो ये चार्जिंग हो जाएगी। लेकिन चूंकि ट्विन पाइप है तो ट्विन पाइप में फीड पाइप से एक कनेक्शन लिया गया है, ये फीड पाइप से आया है, यहां पे आइसोलेटिंग कॉक लगी है, ये डेट कलेक्टर हो गया और ये एक एनआरबी नॉन रिटर्न बाल्व लगा हुआ है, इससे हमारा एआर टैंक चार्ज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 केजी तक तो एआर टैंक बीपी से ब्रेक पाइप से चार्ज होता है डीबी के माध्यम से, और उसके बाद यानी अप टू 6 केजी तक हमारा फीड पाइप के द्वारा चार्ज होता है। तो इस कंडीशन में यानी ट्विन पाइप में एआर टैंक में जो प्रेशर रहेगा वो हमारा 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, जबकि अगर हमारा ये सिंगल पाइप होगा उस दौरान एआर टैंक में जो प्रेशर रहेगा वो 5 केजी रहेगा। तो कैसे काम करता है एयरब्रेक सिस्टम, सीआर और ब्रेक पाइप में जो डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है। जैसे ही ब्रेक पाइप का प्रेशर, जो हमारा ड्राइवर है ब्रेक पाइप के प्रेशर को रिड्यूस करेगा, तो यहां से देखिए ये ब्रेक पाइप का प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, डीबी के पास कम प्रेशर पहुंचेगा, सीआर में ऑलरेडी 5 केजी का प्रेशर है, इन दोनों में डिफरेंस को डीबी सेंस करता है और जैसे ही डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ब्रेक सिलेंडर में, ये हमारा नीचे ब्रेक सिलेंडर दिखाया गया है, ब्रेक सिलेंडर वाली लाइन में प्रेशर पहुंचना शुरू हो जाएगा। ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर कहां से पहुंचेगा, तो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर एआर से जो प्रेशर है वो ब्रेक सिलेंडर में, यानी अभी देखिए यहां पे एआर और ब्रेक सिलेंडर का कोई कनेक्शन नहीं होता है, जैसे ही हमारा ड्रॉप होता है बीपी पाइप में तो एआर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से हो जाता है डीबी के द्वारा, तो अंदर से एआर का जो प्रेशर है वो ब्रेक सिलेंडर में जाना शुरू हो जाता है और ब्रेक अप्लाइड हो जाते हैं। ब्रेक रिलीज करना है तो ड्राइवर जैसे ही 5 केजी का प्रेशर बीपी लाइन में बनाता है, यहां पे डीबी के प्रेशर और सीआर में जो प्रेशर आ रहा था इन दोनों का प्रेशर सेम हो जाता है, उस दौरान एआर और ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन खत्म हो जाता है
और ब्रेक सिलेंडर डीवी के द्वारा एक यहां पे एग्जॉस्ट होता है डीवी में, तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर इस एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ही हमारी वर्किंग होती है, यानी बीपी के पाइप ब्रेक पाइप के प्रेशर को कम या ज्यादा करके डीवी उसको सेंस करता है और बीपी का प्रेशर जैसे ही 5 kg से कम होता है ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। और बीपी का प्रेशर जैसे ही 5 kg होता है वो हमारा ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जो है वो एग्जॉस्ट में चला जाता है यानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। तो ये रही दोस्तों वर्किंग। आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।